हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले बायोलॉजी क्लास में मूल के प्रकार की बात कर रहे थे, तो आज हम बायोलॉजी क्लास में अध्ययन करेंगे मूल सीरीज के क्षेत्र जोन ऑफ रूट अपेक्स। मूल सीरीज के निम्न क्षेत्र होते हैं, नंबर एक मूल गॉब, जिसे बोलेंगे रूट कैप। डायग्राम में आप देखेंगे मूल गोप क्या है। सभी ध्यान देंगे कि मूल के शीर्ष भाग के ऊपर एक सुरक्षात्मक टोपी पाई जाती है, जिसे कहा जाता है मूल गोप या रूट कैप के नाम से जानते हैं। अर्थात मूल गोप होती है जब मूल मृदा में नीचे की ओर वृद्धि करती है, तो उसके शीर्ष भाग को नष्ट होने से बचाने का कार्य कौन करती है? मूल गोप। ध्यान रहे, क्लियर। नंबर दो है विपजोतक क्षेत्र। विपजोतक क्षेत्र, आप एक छोटा सा भाग देख रहे हैं डायग्राम में, सभी आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये वाला क्षेत्र है, इसे विपजोतक क्षेत्र बोलते हैं। अर्थात मूल शीर्ष के ऊपर की ओर कुछ मिलीमीटर तक का भाग विपजोतक क्षेत्र होता है। इसकी कोशिकाएं होती हैं छोटी पतली भित्ति वाली तथा सघन जीवद्रव वाली होती है। विपजोतक क्षेत्र का अधिकांश भाग होता है जो मूल गोप से ढका होता है। यह भी आप ध्यान रखेंगे, इसका अधिकांश भाग है जो किससे ढका होता है? मूल गोप से क्या होता है? ढका होता है। इसकी कोशिकाएं होती हैं जो विभाजनशील होती है। ध्यान रहे, ये विभाजनशील होती हैं तथा विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती है, जिससे मूल की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह विपजोतक क्षेत्र जो मूल गोप से ऊपर की ओर है, अर्थात मूल सिर से ऊपर की ओर कुछ मिलीमीटर तक का भाग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? विपजोतक क्षेत्र। नंबर तीन होता है दीर्घीकरण क्षेत्र। नंबर तीन है दीर्घीकरण क्षेत्र। विपजोतक क्षेत्र से ऊपर की ओर ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं, एक से पांच मिलीमीटर तक का भाग होता है जो दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। इसकी कोशिकाएं होती हैं जो प्रसार करती हैं, अर्थात जिससे एक प्रकार से इस क्षेत्र की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात विपजोतक क्षेत्र और दीर्घीकरण क्षेत्र में होने वाली क्रियाओं के कारण ही एक प्रकार से मूल की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं जो मूल की लंबाई बढ़ाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नंबर चार है परिपक्व क्षेत्र। मैचुरेशन जोन, ध्यान देंगे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे दीर्घीकरण क्षेत्र से ऊपर की ओर कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक का भाग क्या कहा जाता है? परिपक्व क्षेत्र कहलाता है। इसकी कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण आकार प्राप्त करके ऊतकों में क्या हो जाती हैं? विभेदित हो जाती हैं। अर्थात यह क्षेत्र परिपक्व होता है, इनमें विभाजन की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है, अर्थात ये ऊतकों में विभेदित हो जाती है। परिपक्व क्षेत्र के अंदर असंख्य क्या पाए जाते हैं? मूलरोम पाए जाते हैं।
इस कारण इसे मूल राम क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसे मूल राम क्षेत्र भी बोलते हैं। अर्थात इन मूल रोमों के द्वारा मृदा से जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो ध्यान रहे मूल शीर्ष के क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, नंबर एक मूल गोप, नंबर दो विभिजोतक क्षेत्र, नंबर तीन दीर्घीकरण क्षेत्र और नंबर चार परिपक्वन क्षेत्र, या हम पांच बोले तो मूल रोम क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि परिपक्वन क्षेत्र के अंदर ही एक प्रकार से मूल रोमों का क्या होता है, विकास होता है, इसलिए इसे मूल रोम क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये था मूल शीर्ष के क्षेत्र। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझा हुआ फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।